नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरू कैसे हुआ। तो युद्ध को समाप्त होने के सबसे पहला कदम जो उठाया वो रशिया ने उठाया। रशिया इसीलिए उठाया कि 1917 ईस्वी तक रशिया के आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी और उसके करीब करीब 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे इस रशिया में। और रशिया में एक नई सरकार बोल्शेविक सरकार सत्ता में आई थी जिसके नेता थे लेनिन। तो लेनिन ने युद्ध से हटने का फैसला किया। हालांकि रूस का युद्ध से हटना उसकी आंतरिक अपरिहार्यता थी, परंतु जर्मनी ने इसको रूस का कमजोरी समझा और रूस के सामने एक बहुत मुश्किल शर्त रखी। बावजूद इसके रूस ने इसके मुश्किल शर्तों को स्वीकार किया। मार्च 1918 में जर्मनी और रशिया की सांधी संधि हुई जिसमें रशिया ने सभी जर्मनी के शर्तों को मानते हुए उस पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर किए और युद्ध से रूस पूर्णतः अलग हो गया। युद्ध से रूस का पूर्णतः अलग होने से और भी जो छोटे छोटे देश थे जिनकी जनता उनके सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो वो सभी देश भी खुल के तो नहीं लेकिन आंतरिक रूप से युद्ध से हटने का या युद्ध को समाप्त होने के लिए धीरे धीरे प्रस्ताव रखने लगे। लेकिन जर्मनी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपना एक यू बोट नाम का पनडुब्बी यहाँ पे तैनात किया हुआ था। और वो यू बोट नाम का पनडुब्बी क्या करता था, तो जो भी जहाज जो भी सिर्फ ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जा रहा था, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, उसको वो डुबाए जा रहा था। तो इसी क्रम में उसने एक लुसिटानिया नाम के जहाज को डुबा दिया। उस लुसिटानिया नाम के जहाज में अमेरिका के नागरिक सवार थे। परिणाम स्वरूप अमेरिका जो 1914 से इस विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, उसने जर्मनी को वार्न किया कि आप ऐसा ना करें। लेकिन जर्मनी किसी की सुनने वाला नहीं था। फलस्वरूप क्या हुआ, तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ और उसके सहयोगी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही अमेरिका ने युद्ध की घोषणा की तो युद्ध का रंग रूप ही चेंज हो गया, लेकिन जर्मनी फिर भी मानने को तैयार नहीं था। और फलस्वरूप क्या हुआ, तो जुलाई 1918 को अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जर्मनी और इसके सहयोगी देशों के विरुद्ध किया। और ज्यों ही ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन संयुक्त सेना अभियान इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी और सहयोगी देशों के खिलाफ किया, तो जर्मनी और उसकी सहयोगी देशों की हार होने लगी और वो एक एक करके हारने लगे। और अंत में क्या हुआ, तो 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी सरेंडर कर दिया, जो कि युद्ध का समाप्त होने का एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। और इधर क्या हुआ, तो जर्मनी में भी एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी के जो सम्राट थे केसर विलियम्स द्वितीय, वो भाग करके हॉलैंड चले गए और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। ऐसे में नई सरकार जो हुआ जर्मनी का, वो 11 नवंबर 1918 को युद्ध के शांति शर्तों पे हस्ताक्षर कर दिया और युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक शांति कार्यक्रम सभी देशों के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत किया जिसे 14 सूत्री कार्यक्रम के नाम से ही जाना जाता है। उस 14 सूत्री शांति प्रस्ताव में 14 पॉइंट थे जिसमें मुख्य बातें ये थी कि राज्य आपस में खुल के बातचीत कर सकते हैं, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, जर्मनी द्वारा जो फ्रांस का लॉरेंस और अल्सास क्षेत्र जीत लिया गया था उसको फिर से फ्रांस को वापस देना, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण जो कि पूरे विश्व के देशों पे शांति के लिए बाध्य करे, वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना। इन 14 सूत्रों में और भी कुछ पॉइंट थे लेकिन इनके कुछ मुख्य बातों को जब शांति संधि हुई तो इन बातों को शांति संधियों में रखा गया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि शांति संधि में कौन कौन सी संधि हुई और क्या क्या पॉइंट हुए। तो शांति संधियों में दोस्तों जो मुख्य संधि हुई वो थी वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी के साथ की गई थी। तो ऐसा था दोस्तों कि जनवरी और जून 1919 में मित्र राष्ट्र या फिर कह सकते विजय राष्ट्र, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ये सब थे विजय राष्ट्र, उसका एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में हुई और फिर पेरिस में हुई। हालांकि इन सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे लेकिन मुख्यतः जो हेड कर रहे थे वो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ही सभी संधि को शर्तें तय कर रहे थे। और
इन तीनों के जो शर्त थे उन्हीं को स्वीकार कर रहे थे। हालांकि रूस को भी इस शांति प्रक्रिया से बाहर रखा गया और इस शांति प्रस्ताव में ये तीनों देश ऐसा ऐसा शर्त रख रहे थे कि अपना जाल सारे शर्त अपने फायदे के सारे शर्त जो थे वो पराजित देशों के मध्य मर रहे थे। और इसी क्रम में जो मुख्य संधि थी वो जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को वर्सायी में हुई, जिसे हम वर्सायी की संधि के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही मुख्य संधि थी जिसमें जर्मनी को बुरी तरह से अपमानित किया गया था और उस पे बहुत सारे कठोर से कठोर शर्तें लगाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी को पूर्णतया युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, उसपे करीब 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी जुर्माना थोपा गया, जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दी गई। इसके अलावा जर्मनी के जितने सारे उपनिवेश थे वो सारे विजित राष्ट्र, जितने भी विजित राष्ट्र आपस में बांट लिए गए और जर्मनी जो कि फ्रांस का अलसास और लॉरेंस नाम का जो धनी प्रदेश जीत लिया था उसे फिर से फ्रांस को अलसास और लॉरेंस वापस कर दिया गया। वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार जर्मनी से छीन लिया गया तथा जर्मनी के सारे कोयले का खदान फ्रांस को 15 सालों के लिए दे दिया गया। तो इस तरह से कोशिश ये रहा कि जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ के उसको पंगू बना दिया जाए। और उसी तरह से दोस्तों जर्मनी के सहयोगी देशों के साथ अलग से संधियां की गई, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ समझौता किया गया जिसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग अलग तोड़ दिया गया और उससे कहा गया कि हंगरी को आप स्वतंत्र राज्य बनने दे। और उसके अलावा ऑस्ट्रिया के अंतर्गत जो युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड थे उसको भी स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी गई। इस तरह से ऑस्ट्रिया को भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया, उसके साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया गया। बाल्टिक राज्य जो कि रशिया के भाग थे जैसे कि लतविया, एस्टोनिया, जो बाल्टिक राज्य थे यहाँ पे दोस्तों उसको भी रशिया से स्वतंत्र कर दिया गया। इसके अलावा तुर्की के साथ जो संधि की गई दोस्तों, क्योंकि तुर्की भी जर्मनी का ही साथ दे रहा था इस प्रथम विश्व युद्ध में, तो तुर्की के साथ भी जो संधि की गई उसमें तुर्की को भी छिन्न-भिन्न कर दिया गया और तुर्की के अंतर्गत जो कि फिलिस्तीन थे उसको इंग्लैंड को दे दिया गया और मेसोपोटामिया जिसको आधुनिक इराक बोलते हैं वो भी ब्रिटेन के ही अंदर में आ गया, उसी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। फ्रांस को सीरिया दे दिया गया तथा तुर्की का अधिकांश क्षेत्र जो भी थे वो ग्रीस और इटली को दे दिया गया। दोस्तों इस तरह से तुर्की को भी एक छोटा सा राज्य बना दिया गया। क्षेत्रों और देशों का ये जो स्थानांतरण किया जा रहा था दोस्तों वो एक व्यवस्था के तहत किया जा रहा था जिसे मैंडेट कहा गया, शासनादेश कहा गया, और वो शासनादेश इंग्लैंड और फ्रांस के अंतर्गत थे, यानी कि मैंडेट चलाने वाला जो देश था वो इंग्लैंड और फ्रांस था। तो इस तरह से युद्ध की शांति संधियां भी समाप्त हो गई और जो हारा गया राष्ट्र था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया और सारा जो सारा फायदा था वो विजित राष्ट्र आपस में बांट लिया गया। अब देखते हैं युद्ध और शांति संधियों के क्या परिणाम रहे। तो परिणाम की बात करें दोस्तों तो करीब करीब 45 करोड़ लोग इस प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित हुए और तकरीबन 90 लाख लोग मारे गए, जो कि युद्ध में भाग लेने वाले संख्या का करीब करीब सातवां भाग था, सातवां हिस्सा था। ये 90 लाख लोग जो मारे गए वो युद्ध में भाग लिए गए लोगों के सातवां हिस्सा था। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपंग हो गए, बहुत सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, तो नई कई देशों में नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। वो कौन कौन सा अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, तो मुख्य रूप से हम बात करें दोस्तों तो विश्व के कई देशों में राजतंत्र नष्ट हो गए और उसकी जगह पे लोकतांत्रिक और साम्यवादी व्यवस्था का उदय हुआ। रूस के रोमनोव शासन, जर्मनी के होहेनजोलर्न, ऑस्ट्रिया और हंगरी के हेब्सबर्ग शासन का अंत हो गया, तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया तथा ऑस्ट्रिया हंगरी दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए और पोलैंड भी स्वतंत्र राज्य बन के विश्व पटल पे उभरा। और इसके साथ ही दोस्तों यूरोप का जो वर्चस्व था दुनिया में वो समाप्त हो गया, क्योंकि यूरोप और यूरोपियंस मानते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो जो भ्रम था वो भी टूट गया और अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में, एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा और कुछ टाइम के बाद में रूस भी दूसरी महाशक्ति के रूप में विश्व स्तर पे उभर गया। इसके साथ ही मुख्य काम जो रहा दोस्तों वो अफ्रीका और एशिया के देशों में जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे वो तीव्र हो गए, क्योंकि वहां का लोग को भी ये लगा कि अब स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन है उसको और तेज किया जाए। इस युद्ध से एशिया और अफ्रीका के लोगों में भी एक प्रेरणा मिली कि हम भी अपना एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं और एक स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र देश में रह सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इन शांति संधियों का जो एक मुख्य शर्त थी जो कि विड्रो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सन के 14 सूत्री प्रोग्राम का एक
पॉइंट था वो था राष्ट्र संघ का निर्माण, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण, जिसका उद्देश्य था शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विश्व के देशों का आपसी झगड़ों को शांति पूर्वक निपटारा करवाना, राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को युद्ध के सहारा न लेने पे बाध्य करना, ये मुख्य काम था राष्ट्र संघ का, जिसका निर्माण इस शांति संधियों के कारण ही हुआ। तो इस वीडियो में आज हमने देखा दोस्तों युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ और जो अंत के पश्चात राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और उसके पश्चात जो भी युद्ध की शांति संधियां थी उसको हम इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पे चर्चा करेंगे, तब तक बाय बाय दोस्तों।